bow. Bell icon right now. पिलातुस महाराज की जय हो। तुम्हें अब क्या चाहिए महाराज? ये सदुसी फिरुसी फिर आ गए हैं। धन्यवाद महाराज। अब आपकी क्या मांगे हैं? सारी मांगे तो आगे पूरी की गई है। यीशु नाजरी को भी आपने सूली पर चढ़ा दिया गया, और आपको क्या चाहिए? हे राजा, मुझे याद है कि वो नाजर का यीशु मसीह वो लोगों से कहता था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। यह कैसे हो सकता है? अतः हे राजा, तू हमें आज्ञा दे कि हम उसके कब्र की 3 दिन तक रखवाली करें, ताकि ऐसा ना हो कि उसके चेले उसके शव को चुरा ले जाए और कहे कि वो मृतकों में से जी उठाए। ये तो उससे भी अधिक बुरा होगा जो उसने इससे पहले किया था महाराज। आपको तो सिपाही दिए गए हैं, और आपको क्या चाहिए? सिपाहियों जाओ। भाई अच्छे से ध्यान दे, तुझे पता है ना, अगर हमने इस कब्र की रखवाली अच्छे से नहीं की तो उसकी सजा सबको दी जाएगी। हाँ भाई, मुझे पता है हमारे रोमी साम्राज्य का कानून कितना कठोर है। मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ कि अगर एक ने भी गलती की तो सजा सबको मिलेगी। बस ऐसा ना हो जाए कि इस कब्र की रखवाली करते करते कहीं हमारी कब्र न खुल जाए। भाई मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। वो क्या है? हमें राजा के जान की या राजा के खजाने की रखवाली करनी चाहिए, पर हम तो यहाँ एक मरे हुए आदमी की रखवाली कर रहे हैं। तुझे पता नहीं है कि अंदर मरा हुआ व्यक्ति नाजरत का यीशु है? क्या, नाजरत वाला? हाँ मेरे भाई, ये वही यीशु है जिसने अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर और मूर्तों को जिलाया, लेकिन आज वो इस कब्र में मरा हुआ है। कितनी अजीब बात है, उसके अपनों ने उसे क्रूस पे चढ़ाने की मांग की। हाँ, जब वो क्रूस पे था तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ, पर उसको पानी पिलाया गया तो उसने नहीं पिया। पता नहीं वो किस चीज के लिए प्यासा था। मैंने सुना था उसकी हालत ऐसे कर दी गई है जैसे किसी ने क्रूस पे मांस का टुकड़ा लटका दिया हो। सही कहा तूने, उसके बदन से खून ही खून बह रहा था और उसकी सीरत मनुष्य से नहीं दिखती थी। फिर तो उसके शरीर का पूरा खून खत्म हो चुका होगा। हाँ, यहाँ तक कि उसके बदन का आखिरी बूंद पानी तक न जाने क्यों और किसके लिए बहाया। न जाने क्यों उसने अपनी जान दी है। अगर यीशु सचमुच खुदा का बेटा था तो वो क्रूस से जिंदा होता रहता था। ये क्या है? आमीन है। आमीन है।
को यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था भूलती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ यीशु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेहरों से कहो कि वह मृत्यु से जी उठा है। Hey, Maria.
मैं अब तक पिता के पास जाकर नहीं आया, तो तू अपने भाइयों से जाकर कह दे कि मेरे पिता और तुम्हारे पिता, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर के पास मैं जाने वाला हूं। तो जाओ अपने भाइयों से जाकर कह दो कि मैं जिंदा हूं। जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आया।